2020 में हुए हादसे का शिकार परिवार मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ पाने के लिए एक साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल थाना मंझौला के जयंतीपुर की रहने वाली सुनीता अपने 3 बच्चों और पति देशराज सिंह के साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि घरेलू सिलेंडर में आग लगने से पूरा परिवार बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद पीड़िता के पति देशराज और एक बेटा उस हादसे में बुरी तरह से झुलसने के बाद मौत के शिकार हो गए, जिसके बाद बच्चों के पालन पोषण करने की समस्या सामने आ गई। इसके बाद वो इस आस और उम्मीद से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे, जहां से उसे मदद की आस थी, लेकिन उसकी समस्या जस की तस ही बनी रही। जिसके बाद आज वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ जिलाधिकारी से मिलने पहुंची और गुहार लगाई कि सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का लाभ मिल सके। जी, गैस सिलेंडर से आग लग गई थी कारण लीक होने के, तो कुछ सहायता नहीं मिल पा रही है कहीं से नहीं। बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी मैं? मेरे बच्चों को कुछ सुविधा मिल जाएगी तो मैं इन पालन पोषण कर सकती हूँ। बताइए कौन करके खुला देगा? किसी ना कोई साथ नहीं दे रहा, बताओ और कौन साथ देगी? जब गरीब की मतलब मदद नहीं कर पाएगा कोई भी, तो मुझे मदद चाहिए मेरे बच्चों के लिए। एक हादसे में कोई लोग मरे भी थे? जी, एक पति की मृत्यु हो गई है, एक बेटे की मृत्यु हो गई है। घायल कितने लोग थे? जी, 5 लोग थे हम। टोटल कितने लोग थे मामले में? 5 थे हम, 3 बच्चे 2 मियां बीवी हम। तो आप कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई मदद के लिए? जी, सब जगह लगाई थी, यहाँ भी दी थी, मतलब इनके DM साहब के पास भी, वहाँ पर ADM साहब के पास भी दी थी, वहाँ उनके नीतेश गुप्ता के यहाँ पर भी दी थी। जी, पहले वाले DM साहब के हाथ में तो उन्होंने वीडियो बना के रख रखी थी, तो उनका हो गया ट्रांसफर। हम इतने बच्चों का इलाज कर पा रहे, हम अपना इलाज कर पा रहे। कौन सी संख्या मामला? जी, 25 अप्रैल को। सन कौन सी, कौन सा साल था? जी, साल 2020 उसी में ही था। पिछले साल की बात है? जी, पिछले साल की, लॉकडाउन की, जब लगा था लॉकडाउन, जब की बात। जी, मैं बच्चों के लिए मुझे कुछ मदद चाहिए, मुआवजा मिल जाए मेरे बच्चों को तो मैं पाल पोषण कर सकूं। महिला ने मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है।